इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह पर वर्कशॉप आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आईएमए के चिकित्सक मौजूद रहे। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य का सही होना बेहद जरूरी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय चौधरी ने कहा कि आज मानसिक रूप से लोग ज्यादा बीमार हैं। तनावपूर्ण माहौल मिलने के कारण लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हुए हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रखकर लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए सभी को आगे आना होगा। इधर कार्यक्रम के संयोजक मनोरोग चिकित्सा और विश्वास हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुमित मित्तल एमडी साइकेट्रिस्ट ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के साथ विभिन्न स्थानों पर वर्कशॉप का आयोजन करवा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में तनाव को दूर कर मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी करना है। आज लोग अपनी दिनचर्या से अपने काम से बेहद परेशान हैं, इसलिए कार्यस्थल पर लोग तनाव में रहकर काम कर रहे हैं। इस बार की थीम हमारी यही है कि हम कार्यस्थल पर लोग तनाव मुक्त रहकर काम कर सकें, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। इस दौरान वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सक्सेना ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर अजय सक्सेना ने कहा कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एकल परिवार और लोगों का चिड़चिड़ापन है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है कि वह अपने कार्य को तनाव और भार समझकर ना करें, बल्कि आनंद और उल्लास के साथ करें। तेजी से बढ़ती आत्महत्याओं का सबसे बड़ा कारण मानसिक व्यवस्थाएं खराब होना है। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इस तरह के आयोजन कर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुधार की ओर ले जाया जाना एक बेहतर कदम साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे।